ठीक है जी। सो CMM को हम देख रहे थे। CMM बेसिकली सॉफ्टवेयर के ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसकी मेच्योरिटी को एवेलुएट करता है। ठीक है, जिस तरह सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट की क्वालिटी हमारा कंसर्न होता है, और उसमें जो चीज़ है कि एक हमारे पास प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी बेस पे हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को इवेल्युएट करते हैं कि वो कितना एफिशिएंट है, कितना रिलायबल है, कितना एक्यूरेट है एंड सो ऑन, ये उसकी करेक्टरिस्टिक होती हैं। तो साथ में हमारे पास जो एक दूसरी चीज़ है कि जिस डेवलपमेंट प्रोसेस से कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो उसकी क्या एफिशिएंसी है, उसकी क्या एक्यूरेसी है या रिलायबिलिटी है, उस चीज़ को एवेलुएट करने के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो CMM है, जो ये चेक करता है कि कोई किसी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस कितना मेच्योर है। और वो किसी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम कोई टास्क देते हैं तो उसकी कैपेबिलिटी की बेस पे उसको टास्क दिया जाता है कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन उस टास्क को परफॉर्म करने की कैपेबल है या क्या नहीं। तो ये जो कैपेबिलिटी एवोल्यूशन है ये CMM करती है, और इट्स ए मेच्योरिटी मॉडल। जिस तरह हमारे पास रेफरेंस स्टैंडर्ड्स हैं, ISO है, IEEE है, इस तरह CMM भी एक स्टैंडर्ड है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया हुआ है, और ये ऑर्गेनाइजेशन की मेच्योरिटी को एवोल्यूएट करता है। सो CMM किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में थ्री डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स देखता है। पहली बात तो ये होती है कि प्रोडक्ट जो हैं वो हाई क्वालिटी के हों, मीन्स कि वो एरर फ्री हों, और दूसरी बात ये है कि प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट हों अकॉर्डिंग टू प्लान्स एंड अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल्स में विद इन टाइम हो, और तीसरी बात ये है कि प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हों विद इन एलोकेटेड बजट। ये स्लाइड नंबर 8 पे ये तीनों पॉइंट्स मेंशन हैं कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट विद इन टाइम, इसको विद इन प्लेन्स या विद इन स्केड्यूल भी कहते हैं, और तीसरी बात ये है कि विद इन एलोकेटेड बजट, मीन्स कि कास्ट कंट्रोल हो, विद इन कास्ट विद इन द एलोकेटेड कास्ट हो। तो लेकिन यूजुअली मसला ये होता है कि लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में ये तीनों चीज़ें अचीव करना बहुत रेयर होता है। ठीक है, ये इतना इतना इजी नहीं होता कि ये तीनों जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हों। वन ऑफ द रीज़न ये है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम की नेचर ही इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, और उसमें फिर नॉन या अननोन डिफेक्ट्स रह जाते हैं, और जो स्पेशली अननोन डिफेक्ट्स हों वो लेटर ऑन फेलियर कर सकते हैं, और उनकी वजह से सॉफ्टवेयर की कम्प्लेक्सिटी की वजह से सॉफ्टवेयर लेट डिलीवर होते हैं या ओवर द बजट होते हैं। तो CMM में जो मेच्योरिटी लेवल किसी डेवलपमेंट प्रोसेस का चेक करना होता है कि वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि टू व्हाट एक्सटेंट द ऑर्गेनाइजेशन इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लो कास्ट एंड हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। स्लाइड नंबर 11 पे एक बात गिवन है कि ये ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को चेक करता है जो प्रोड्यूस करे हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर विद लो कास्ट, और इसका जो रिलेशन फ्रेमवर्क है इस चीज़ को चेक करने का दैट इज CMM। और
किसी ऑर्गेनाइजेशन का करंट लेवल चेक करके ऑर्गेनाइजेशन को ये फ़ायदा होता है कि वो फिर फर्दर अपना कैपेबिलिटी इम्प्रूव कर सकती है और वो नेक्स्ट हायर लेवल पे जा सकती है, अपने प्रोसेस को फर्दर मेच्योर कर सकती है। और CMM में हमारे पास 5 मेच्योरिटी लेवल्स होते हैं और कितना मीन ऑर्गेनाइजेशन कितना मेच्योर है, तो हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक मेच्योर और उसके अपोजिट क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन इमेच्योर है या उसका प्रोसेस इमेच्योर है। तो इमेच्योर प्रोसेस में या इमेच्योर ऑर्गेनाइजेशन जो एक इमेच्योर प्रोसेस परफॉर्म करते हैं वो क्या करते हैं कि उसमें डिफाइंड प्रोसेस नहीं होता, मीन्स के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कोई डिफाइंड स्टेप उनके पास नहीं होते। और जो डेवलपर्स हैं वो रिएक्ट करते हैं या जो मैनेजर हैं वो रिएक्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को जब वो अकर करें, इसके पहले से उनकी कोई प्लानिंग नहीं होती और कोई से प्रियम मैयर वो नहीं रहते, लेकिन जब वो कोई प्रॉब्लम अकर करते हैं तो उस वक्त उसका सलूशन सोचते हैं और उस वक्त उसको देखते हैं। इस तरीके को बेसिकली जो रन टाइम पे हो एडहॉक मैनर कहा जाता है, इसको एडहॉक मैनर में सलूशन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसी तरह इमेच्योर प्रोसेस है इमेच्योर ऑर्गेनाइजेशन में एस्टिमेशन कास्ट की भी एस्टिमेशन नहीं होती, स्केड्यूल की भी एस्टिमेशन नहीं होती और क्वालिटी की भी एस्टिमेशन। देखिए आप कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास आता है तो पहला काम तो ये होता है ना कि आप उसकी कास्ट को एस्टिमेट करें, टाइम को एस्टिमेट करें। तो इमेच्योर ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों एस्टिमेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं होता, वो जस्ट एक रफ गैस अप्लाई करते हैं, रफ गैस करते हैं कि इस तरह है। और इस चौथी जो बात है कि इमेच्योर ऑर्गेनाइजेशन में कोई मेजरमेंट्स नहीं दिए जाते, जो डेवलपमेंट्स आप परफॉर्म कर रहे हैं या जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई मेजरमेंट्स नहीं दी जाती। मेजरमेंट्स जब हम गेट करते हैं तो बेसिकली डेटा होता है जो नेक्स्ट फ्यूचर में यूज़ होता है, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में। तो इमेच्योर ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ भी नहीं होती। ओके, तो इसके अपोजिट हमारे पास फिर मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन होंगी या मेच्योर प्रोसेस होंगे, तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाएंगी, इसकी रिवर्स हो जाएंगी। मीन्स के वहाँ पे जब इनडिफाइंड अनडिफाइंड प्रोसेस था तो यहाँ पे डिफाइंड प्रोसेस होगा, यहाँ पे एस्टिमेशन होंगी, यहाँ पे मेजरमेंट्स होंगी और यहाँ पे प्लैंड और सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाएगा। तो वो जो सारी करेक्टरिस्टिक्स थी इमेच्योर की यहाँ पे वो, या जो सारे नेगेटिव थे इमेच्योर के वहाँ पे मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज़ रिमूव कर दी जाएगी। अच्छा, देन स्लाइड 15 पे हमारे पास CMM स्ट्रक्चर्ड है कि CMM आर्किटेक्चर में क्या होता है कि हमारे पास CMM लेवल्स होते हैं और हर लेवल में की प्रोसेस एरियाज होते हैं, मींस के वो कंटेन करता है KPAs, इसको कहा जाता है की प्रोसेस एरिया। और वो लेवल क्या इंडिकेट करता है ये प्रोसेस की कैपेबिलिटी के, इन इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस कितना कैपेबल है। देन KPIs जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज बाय कॉमन फीचर्स होते हैं, वो कुछ कॉमन फीचर्स का नाम है। और KPIs अचीव करते हैं किसी गोल्स को अचीव करते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो गोल होते हैं। और कॉमन फीचर्स जो हैं वो एड्रेस करते हैं इम्प्लीमेंटेशन को या इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को, और वो कंटेन करते हैं की प्रोसेस की प्रैक्टिसेस को। और मींस की प्रोसेस एरिया में फिर क्या है, की प्रैक्टिसेस हैं और की प्रैक्टिसेस आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर या एक्टिविटी को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये इस तरह लेवल बाई लेवल इसका एक स्ट्रक्चर गिवन है कि टॉप पे हमारे पास मेच्योरिटी लेवल्स हैं और मेच्योरिटी लेवल इंडिकेट करते हैं प्रोसेस की कैपेबिलिटी को और कंटेन करते हैं KPIs को की प्रोसेस एरिया को, और वो अचीव करते हैं गोल को और ऑर्गेनाइज करते हैं ऑर्गेनाइज बाय कॉमन फीचर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। कॉमन फीचर उसको एड्रेस करता है, कॉमन फीचर्स कंटेन करते हैं की प्रैक्टिसेस को, और देन इट इज़
की प्रैक्टिस डिस्क्राइब करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्टिविटीज को। तो स्लाइड 17 पे हमारे पास सीएमएम लेवल्स और हर लेवल के साथ एसोसिएटेड केपीआईज हैं। तो फाइव लेवल्स हैं, ये बॉटम टू टॉप जा रहा है। लेवल वन है जिसको इनिशियल लेवल कहते हैं, देन लेवल टू इज रिपीटेबल, इसमें डिसिप्लिन प्रोसेसेस होती हैं। लेवल थ्री इज डिफाइंड स्टैंडर्ड कंसिस्टेंट प्रोसेसेस होती हैं। लेवल फोर इज मैनेज्ड प्रिडिक्टेबल प्रोसेस होता है। एंड लेवल फाइव इज ऑप्टिमाइजिंग एंड कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग प्रोसेस होता है। तो लेकिन प्रोसेस की ही कैपेबिलिटी बढ़ रही है। लेवल वन पे मीन्स कोई प्रोसेस डिफाइंड नहीं है। लेवल टू पे रिपीटेबल में हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो डिसिप्लिन होता है। लेवल थ्री पे वही प्रोसेस स्टैंडर्ड हो जाता है। लेवल फोर पे प्रिडिक्टेबल हो जाता है और लेवल फाइव इज फर्दर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती है उस प्रोसेस में। तो लेवल वन पे हमारे पास कोई केपीआई भी नहीं होते। तो आप ये समझिए हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो स्टार्ट में इनिशियल लेवल पे होती है, लेवल वन पे होती है। देन लेवल टू पे जाने के लिए जो केपीए की प्रोसेस एरियाज हैं वो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है, सॉफ्टवेयर सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड ओवरसाइट है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग है एंड रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट है। ये लेवल टू के केपीएस हैं। देन वी हैव लेवल थ्री। लेवल थ्री के जो केपीएस हैं वो पीयर रिव्यू है, इंटर ग्रुप कोऑर्डिनेशन है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग है, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस डिफिनेशन है और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस फोकस है। ये डिफाइंड लेवल थ्री के केपीएस हैं। और लेवल फोर पे क्वालिटी मैनेजमेंट है, केपीए सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वांटिटेटिव प्रोसेस मैनेजमेंट, ये दो चीज़ें हैं। लेवल फाइव पे प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी चेंज मैनेजमेंट और डिफेक्ट प्रिवेंशन है ऑप्टिमाइज लेवल पे। तो आप फॉर एग्जांपल लेवल टू पे हैं तो आपको ये सारे केपीएस अचीव करने होंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। मीन्स वहाँ पे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस भी होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट भी होनी चाहिए एंड सो ऑन। इसी तरह जब आप लेवल थ्री पे जाते हैं तो लेवल टू वाले सारे केपीएस तो होंगे ही होंगे, मीन्स के वो तो इम्प्लीमेंटेड होंगे। फर्दर कुछ केपीएस हैं जिस तरह लेवल थ्री पे पीयर रिव्यू है और रिव्यू ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं कि रिव्यू क्या चीज़ है। तो मीन्स के रिव्यू की एक्टिविटी होनी चाहिए और इस तरह इंटर ग्रुप कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ये जो हमारे पास एजाइल मेथोडोलॉजीज हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस है इंटर ग्रुप कोऑर्डिनेशन पे, और मीन्स के ये वाली चीज़ें होनी चाहिए और इस तरह लेवल बाई लेवल। तो इनको अब हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में कि ये क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट वन जो है स्लाइड 18 पे इनिशियल लेवल। एट दिस लेवल सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय फॉलोइंग नो प्रोसेस मॉडल एंड देयर इज नॉट मच प्लानिंग इन्वॉल्व, और इवन इफ ए प्लान इज प्रिपेयर इट मे नॉट बी फॉलोड एंड इंडिविजुअल मेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर ओन केपेबिलिटीज एंड स्किल। देयर इज नो के पी एसोसिएटेड विद लेवल वन एयर ऑर्गेनाइजेशन लेवल एंड विदाउट मेकिंग एन एफर्ट। तो ये बिल्कुल सिंपल बातें हैं सारी, और मीन्स के कोई एक इमेच्योर ऑर्गेनाइजेशन या इमेच्योर प्रोसेस वाली बातें हैं कि सॉफ्टवेयर हर ऑर्गेनाइजेशन लेवल वन पे है विदाउट एनी एफर्ट। जो भी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन है वो विदाउट एनी एफर्ट एट इज एट इनिशियल लेवल लेवल वन। एंड क्यों? ये वो कोई प्रोसेस फॉलो प्रोसेस मॉडल फॉलो नहीं करता, उसमें कोई प्लानिंग नहीं होती। अगर कोई प्लान प्रिपेयर भी करे तो फॉलो नहीं होता। और जो इंडिविजुअल हैं वो
अपनी कैपेबिलिटीज और स्किल पे डिसीजन करते हैं, और कोई केपीए भी लेवल 1 के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो सारी बातें एक तरह से सारी नेगेटिव बातें हैं, और इस लेवल इस ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स लेवल 1 पे है कोई, इसका वो इनिशियल लेवल पे है कोई, उसकी कैपेबिलिटी भी नहीं है। जब आप लेवल 2 में कोई ऑर्गेनाइजेशन जाती है तो वो बेसिकली रिपीटेबल हो जाती है, और उसके साथ कुछ KPIs भी एसोसिएटेड हो जाते हैं। तो लेवल 2 पे क्या होता है, दिस लेवल द कंसेप्ट ऑफ ए प्रोसेस एग्जिस्ट सो दैट सक्सेस कैन बी रिपीटेड फॉर सिमिलर प्रोसेस पर सिमिलर प्रोजेक्ट। पहली बात क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस का कंसेप्ट होता है, कि कोई प्रोसेस के थ्रू आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, और वो जो प्रोसेस है वो रिपीट होता है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई प्रोसेस अप्लाई करते हैं और उस नेचर का एक दूसरा प्रोजेक्ट भी आया, तो आप सेम प्रोसेस को रिपीट कर लेंगे, इसलिए इसको रिपीटेबल भी कहते हैं। एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रूवन एक्टिविटीज ऑफ पास्ट प्रोजेक्ट इज यूज टू प्रिपेयर प्लान्स फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट। और जो आपकी प्रीवियस प्रोजेक्ट में जो प्रूव एक्टिविटीज थी उनको आप यूज करते हैं ताकि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए प्लानिंग करें। इस लेवल को डिसिप्लिन भी कहते हैं, बिकॉज प्रोसेसेस आर यूज फॉर रिपीटेडली। तो चूंकि प्रोसेसेस रिपीटेडली यूज होते हैं, इसलिए इसको डिसिप्लिन भी कहा जाता है। ऑल द प्रोसेसेस आर अंडर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। और जो भी आपकी प्रोसेसेस हैं वो एक कंट्रोल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर होती हैं। और इस लेवल के जो KPIs हैं वो हैं रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड ओवरसाइट, सॉफ्टवेयर सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सो रिक्वायरमेंट मैनेजर क्या है? मैनेजमेंट, इट इज इम्पॉर्टेंट टू एस्टेब्लिश ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कस्टमर एंड डेवलपर्स। डिटेल ऑफ ए प्रोजेक्ट सच एज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट आर गाइडेड बाई ए कॉमन व्यू ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट। इट इज इम्पॉर्टेंट, इस प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में क्या है कि आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर के, और जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स हों सच एज प्लानिंग या मैनेजमेंट वो कस्टमर व्यू के मुताबिक हों, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के व्यू के मुताबिक हों। देन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या है? दिस मीन्स क्रिएटिंग एंड फॉलोइंग ए रीजनेबल प्लान फॉर रियलाइजिंग एंड मैनेजिंग ए प्रोजेक्ट, कि आप के पास एक प्लान हो और उसके मुताबिक आप अपनी डेवलपमेंट को रियलाइज करें या फॉलो करें, और मैनेजमेंट का और डेवलपमेंट का आपके पास कोई प्लान हो। तीसरी बात प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड ओवरसाइट, दिस मीन्स मेकिंग द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट विजिबल सो दैट द मैनेजमेंट इज अवेयर ऑफ द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट। कि आप कि जो प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है वो विजिबल हो, ताकि मैनेजमेंट भी उसे अवेयर हो कि आपके प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, और अगर कहीं पे कोई मसला है तो उस पे कोई करेक्टिव एक्शन भी लिए जा सके। और रोजाई की बात है तभी होगा जब प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग या उसकी ओवरसाइट होगी। सो एक तो विजिबिलिटी है ताकि स्टेटस का पता हो, और दूसरा वो विजिबिलिटी हमें ज़रूरत होती है ताकि करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन इफ एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ ए प्रोजेक्ट सिग्निफिकेंटली डेविएट फ्रॉम द प्लान प्रोग्रेस। अगर कहीं पे कोई मसला हो तो उसके लिए कोई करेक्टिव एक्शन भी लिया जा सके। देन सॉफ्टवेयर सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है, दिस मीन्स एवेल्युएटिंग सेलेक्टिंग एंड मैनेजिंग सप्लायर आर सब कॉन्ट्रैक्टर। ओके, सो जो थर्ड पॉइंट था सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग और साइट का, फोर्थ KPA जो है इट इज सॉफ्टवेयर सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट।
दिस मीन एवेल्युएटिंग सिलेक्टिंग एंड मैनेजिंग सप्लायर्स आर सब कॉन्ट्रैक्टर आपके प्रोजेक्ट में या आपकी टीम के साथ अगर और कोई सप्लायर्स हैं या सब कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी मैनेजमेंट होनी चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस दिस मीन्स एवेल्युएटिंग प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स टू अंडरस्टैंड देयर इफेक्टिवनेस एंड क्वालिटी। ठीक है, एस क्यू ए के प्रोसेस होना चाहिए ताकि आपके प्रोसेसेस और प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करता रहे साथ साथ में। और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का के पी ए होना चाहिए। दिस मीन इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट एज लॉन्ग एज प्रोजेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट उसकी होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स के जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ठीक है, उस पर चेंज मैनेजमेंट उसकी होनी चाहिए, वर्जन मैनेजमेंट उसकी होनी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट अपना एक सब एरिया है, तो ये सारे के पी एस होनी चाहिए लेवल टू पे जो कि रिपीटेबल है। देन डिफाइन थर्ड लेवल पे, थर्ड लेवल को डिफाइंड कहते हैं। एंड एट दिस लेवल डॉक्यूमेंटेशन प्लेज ए की रोल। इस लेवल पे डॉक्यूमेंटेशन का की रोल है क्योंकि जो प्रोसेसेस हैं जो के रिलेटेड हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ वो डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, वो रिव्यूड होने चाहिए, स्टैंडर्डाइज होने चाहिए एंड इंटीग्रेटेड विद ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस। उन प्रोसेसेस को उनकी डॉक्यूमेंटेशन, उनका रिव्यू, उनका स्टैंडर्डाइज होना और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के साथ इंटीग्रेट होना, ये सारी बातें उसमें होनी चाहिए। एंड इन अदर वर्ड देयर इज ऑर्गेनाइजेशन वाइड एक्सेप्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसेसेस। मीन्स के आपके ऑर्गेनाइजेशन लेवल प्रोसेसेस होने चाहिए ताकि वो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड ट्रीट हों और एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल एक्सेप्टेंस उनकी होनी चाहिए। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो कैरीड आउट हो बाई फॉलोइंग एन अप्रूव्ड प्रोसेस। जो प्रोसेस आपने शुरू में सेट किया होता है डेवलपमेंट का उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट होनी चाहिए। फंक्शनैलिटी एंड एसोसिएटेड क्वालिटीज आर ट्रैक्ड। और ट्रैकिंग चूँकि लेवल टू वाली सारी बातें लेवल थ्री पे ऑटोमेटिकली होंगी, तो ये ट्रैकिंग वहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी वो होंगी। कास्ट एंड स्केड्यूल आर मॉनिटर टू कीप देम अंडर कंट्रोल। ये बातें भी होनी चाहिए, वो जो हमने भी पिछले रिपीटेबल में भी देखा था कि प्रोजेक्ट ट्रैकिंग और ओवरसाइट होना चाहिए। दो और इसके लेवल के जो फर्दर के पी एस हैं कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस फोकस, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस डिफिनेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। दिस मीन्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस फोकस क्या है कि पुटिंग इन प्लेस एन ऑर्गेनाइजेशन वाइड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी to ensure that activities concerning process improvement are in fact followed। अब यहाँ पे जो सारी बातें हैं वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड हैं कि ऑर्गेनाइजेशन वाइड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस डिफिनेशन, सर्टन प्रैक्टिसेस आर यूजफुल इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट, दस इट इज इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट दोज प्रैक्टिसेस। वहाँ पे रिपीटेबल में हम बेसिकली प्रोजेक्ट ओरिएंटेड थे, अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड हैं कि वो प्रैक्टिसेस आइडेंटिफाइड होनी चाहिए और वो डिफाइंड होनी चाहिए जो कि इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोजेक्ट हों और वो यूज़फुल हों। मीन्स के ऐसी प्रैक्टिसेस जो हर प्रोजेक्ट में आप अप्लाई कर सकें, तो वो प्रोसेसेस आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस होने चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए कि इंडिविजुअल नीड टू बी ट्रेन on an ongoing basis to make them knowledgeable in application domain in new developments in software technique and tool। या आपने जो आपके employees हैं या जो लोग जो individual project पे काम कर रहे हैं उनको time to time basis पे train करें और उनकी means capability आप बढ़ाएं ताकि वो ज़्यादा effective और efficient तरीके से काम कर सकें। और फोर्थ पॉइंट इज फोर के पी एज इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। दिस मीन्स इंटीग्रेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एक्टिविटी इनटू ए कॉमन डिफाइंड प्रोसेस। इंटीग्रेशन इज बेस्ड ऑन कमर्शियल एंड टेक्नोलॉजिकल नीड्स ऑफ द ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। के आपकी जो
ऑर्गेनाइजेशन की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट एक्टिविटीज से हैं वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्रोडक्ट इंजीनियरिंग है केपीए, दिस मीन्स फॉलोइंग ए डिफाइंड प्रोसेस इन ए कंसिस्टेंट मैनर बाय इंटीग्रेटिंग द टेक्निकल एक्टिविटीज टू प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर विद डिजायर एट्रीब्यूट्स। और दिस एक्टिविटीज इंक्लूड रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, फंक्शनल डिजाइन, डिटेल डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। के ये जो टेक्निकल प्रोसेसेस हैं ये प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में आप इसको यूज़ करें, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन या फंक्शनल डिजाइन वगैरह जो हैं। इंटर ग्रुप कोऑर्डिनेशन हो के आपकी आपके ग्रुप्स के अंदर कोऑर्डिनेशन हो, और वो न सिर्फ ग्रुप के मेंबर के दरमियान हो बल्कि कस्टमर बिटवीन द कस्टमर भी हो, बिटवीन द मार्केटिंग ग्रुप भी हो, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप के अंदर भी हो। मीन्स के जिस तरह वो एजाइल मेथोडोलॉजीज होती हैं और उसमें कोऑर्डिनेशन पे बहुत फोकस होता है, तो सीएमएम के भी इस लेवल पे कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस है। ये एक पूरा केपीए इससे रिलेटेड है। और फिर रिव्यू का प्रोसेस होना चाहिए। रिव्यू के प्रोसेस को तो आप ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं। मीन्स के वो जो रिव्यू की चीज़ें हैं, इंस्पेक्शन है, वॉक थ्रू है, पीयर रिव्यू, पर्सनल रिव्यू, वो होनी चाहिए लेवल 3 पे। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन लेवल 3 पे हो तो उसमें ये सारी केपीएस इम्प्लीमेंटेड होने चाहिए। देन लेवल 4 इज मैनेज लेवल। एट दिस लेवल मैट्रिक्स प्लेज ए की रोल। यहाँ पे मैट्रिक्स जो कि नजर और मेजरमेंट्स भी कहलाती हैं वो अहम रोल प्ले करती हैं। मीन्स के मैट्रिक्स कंसर्निंग प्रोसेसेस एंड प्रोसेस आर कलेक्टेड एंड एनालाइज। जो प्रोसेस और प्रोडक्ट की मैट्रिक्स हैं वो कलेक्ट होने चाहिए और उनको एनालाइज होना चाहिए, और वो हमें क्वांटिटेटिव इनसाइट देते हैं बोथ प्रोसेस और प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में। व्हेन द मैट्रिक्स शो दैट लिमिट्स आर बीइंग एक्सीडेड, कोरेक्टिव एक्शन आर ट्रिगर। और मैट्रिक्स की बेस पे हम जब ये देखें कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई लिमिट्स एक्सीड हो रही है, तो कोरेक्टिव एक्शन उस पे लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत ज़्यादा टेस्ट फेस हो रहे हैं ड्यूरिंग सिस्टम टेस्टिंग, तो इसका मतलब है कि आप एक रूट कॉज एनालिसिस का प्रोसेस को स्टार्ट करें टू अंडरस्टैंड बाय सो मेनी टेस्ट आर फेलिंग। जो केपीएस हैं लेवल 4 पे वो है क्वांटिटेटिव प्रोसेस मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट। सो प्रोसेस डेटा इंडिकेट हाउ वेल ए प्रोसेस इज परफॉर्म। इफ ए प्रोसेस डिडन परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड द प्रोसेस इज इम्प्रूव्ड बाई कंसिडरिंग द मेजर डेटा। तो जो प्रोसेस का डेटा है वो ये बताता है कि एक प्रोसेस कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो अगर वो एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं है तो आप प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं या इसको चेंज कर सकते हैं। एंड क्वालिटी मैनेजमेंट ये है द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आर प्रोडक्ट्स आर मेजर। बेसिकली एक प्रोसेस मैनेजमेंट है जो मैट्रिक्स प्रोसेस से रिलेटेड है, और दूसरा प्रोडक्ट से रिलेटेड जो मैट्रिक्स हैं उसकी बेस पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट होगी। इम्प्रूवमेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रोसेस एंड देयर इफेक्टिवनेस इज इवैल्यूएटेड बाय मेजरिंग प्रोडक्ट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। तो ये जो प्रोडक्ट की क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स हैं ये भी यूज होंगे प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट के लिए। और फिफ्थ लेवल इज ऑप्टिमाइज। एट दिस लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टू इम्प्रूव देयर प्रोसेसेस ऑन ए कंटिन्यूअल बेसिस। ये कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का नाम है और ये 2 स्टेप में अचीव किया जाता है। फर्स्ट, ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ प्रोसेसेस बाई मेजरिंग ए फ्यू की मेट्रिक्स ऑन द क्वालिटी, कॉस्ट एंड टाइम। कि आप अपने प्रोसेस का इफेक्ट ऑब्जर्व करें बाई मेजरिंग द मेट्रिक्स ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी एंड टाइम। और दूसरी बात यह है कि इफेक्ट चेंज टू द प्रोसेस बाई इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्निक्स, मेथड, टूल्स एंड स्ट्रेटेजीज। और प्रोसेस को इम्प्रूव करें बाई इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्निक्स, मेथड्स, टूल्स एंड स्ट्रेटेजीज।
और इस लेवल पे जो KPIs हैं वो डिफेक्ट प्रिवेंशन है, टेक्नोलॉजी चेंज मैनेजमेंट एंड प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट। डिफेक्ट प्रिवेंशन मीन्स कि आप रूट काजेस ऑफ डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें और प्रिवेंटिव मेजर लें कि उस तरह सिमिलर डिफेक्ट्स दोबारा से अकर ना हो। और टेक्नोलॉजी चेंज मैनेजमेंट दिस मीन्स आइडेंटिफाइंग यूजफुल टेक्निक्स टूल एंड मेथोडोलॉजी एंड ग्रेजुअली इंट्रोड्यूसिंग दोज इनटू सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। हाँ, टेक्नोलॉजी को भी साथ साथ चेंज करना होता है ताकि आपका प्रोसेस इम्प्रूव है, ताकि आइडिया क्या है टू टेक एडवांटेज ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, ताकि टेक्नोलॉजी के थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स की जाएँ और उसका एडवांटेज लिया जाए। और प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट मीन्स इम्प्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस टू हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपमेंट टाइम, कि आप वक्तन फवक्तन अपने प्रोसेस को भी इम्प्रूव करें ताकि आपकी क्वालिटी इम्प्रूव हो, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो और डेवलपमेंट टाइम आपका इम्प्रूव हो। ये इसके 5 लेवल थे और कॉमन फीचर्स जो हैं, जो की प्रैक्टिसेस हैं इन एवरी के पी आर ऑर्गेनाइज इनटू 5 कैटेगरीज कॉल कॉमन फीचर्स। हर के पी ए में जो की प्रैक्टिसेस हैं उनको 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है जिनको कॉमन फीचर्स कहते हैं। और जो कॉमन फीचर्स हैं वो एट्रीब्यूट्स हैं की प्रैक्टिसेस के, जो इंडिकेट करते हैं कि आया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए के पी ए इज़ इफेक्टिव रिपीटेबल एंड लास्टिंग। वो कॉमन फीचर क्या है, कमिटमेंट टू परफॉर्म, कि एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट शो इन एक्शन नॉट मेरली इन वर्ड्स दैट इट इज़ कमिटेड टू प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। अपर मैनेजमेंट एक्शन सच एज एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज एंड एलोकेटेड रिसोर्सेज टू प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी गिव एविडेंस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ कमिटेड टू परफॉर्म इन ए बेटर वे। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट कैन फार्मूलेट ए पॉलिसी टू यूज एस्टेब्लिश एंड एंड्यूरिंग प्रोसेसेस। मीन्स के यहाँ पे अब आपने शो करना है कि वाकई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कमिटेड है प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में। दूसरी जो बात है एबिलिटी टू परफॉर्म, के एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू रियलाइज ए प्रोसेस इन ए कंप कॉम्पिटेंट मैनर इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिसोर्सेज एंड पीपल टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस। क्या ऑर्गेनाइजेशन में ये कैपेबिलिटी है कि वो परफॉर्म करें, ये चीज़ चेक होती है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से, उसके रिसोर्सेज से और उन लोगों से जो उसको किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। सो अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेटली ट्रेन पर्सनल एंड एटीट्यूड टू चेंज हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन देयर एबिलिटी टू परफॉर्म। तो अगर आपके पास ट्रेन लोग अवेलेबल हैं और उनका एटीट्यूड है टूवर्ड्स द चेंज, तो वो ये शो कर रहे होंगे कि आपकी एबिलिटी टू परफॉर्म है। तीसरी जो कैटेगरी है एक्टिविटीज परफॉर्म, दिस डिस्क्राइब व्हाट नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड टू एस्टेब्लिश द कैपेबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस एंड दे इंक्लूड द रोल्स एंड प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू रियलाइज KPA। टिपिकल एक्टिविटीज परफॉर्म टू रियलाइज KPR, मेकिंग प्लान्स, एग्जीक्यूटिंग द प्लान, ट्रैकिंग द वर्क, ट्रैकिंग कुरेक्टिव एक्शन टू इंश्योर दैट वर्क स्टेज क्लोज टू द प्लान। सो कौन कौन सी एक्टिविटीज आपने परफॉर्म की हैं, व्हाट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड टू एस्टेब्लिश द केपेबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस, किसी प्रोसेस की कैपेबिलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होंगी, ये थर्ड कॉमन फीचर में आता है। देन मेजरमेंट एंड एनालिसिस, फोर्थ वन है कि मेजरमेंट इज की टू नोइंग द करंट स्टेटस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट्स। एंड मेजरमेंट्स इन्वॉल्व गैदरिंग डेटा एंड कैन रिव्यू द प्रोग्रेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोसेसेस। द गैदर डेटा मस्ट बी एनालाइज्ड टू हैव एन इनसाइट इनटू द प्रोसेस। सो मेजरमेंट्स भी जिस तरह लेवल 4 पे थी बेसिकली, तो वो अगर आपके प्रोसेस में होंगी तो वो ये बताएंगी कि आपके प्रोसेस का क्या स्टेटस है और उसकी क्या इफेक्टिवनेस है, और उसी मेजरमेंट्स को आप
एनालाइज करेंगे ताकि उसके थ्रू आप इंसाइट लें प्रोसेसेस के बारे में, और ये मस्ट परफॉर्म होनी चाहिए मेजरमेंट्स और एनालिसिस ताकि आप कोरेक्टिव एक्शन भी ले सकें। और फिफ्थ जो कॉमन फीचर है की प्रैक्टिसेस का, वो है वेरीफाइंग इम्प्लीमेंटेशन कि आफ्टर हैविंग पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस इन प्लेस इट इज नेसेसरी दैट एक्टिविटीज बी परफॉर्म बाय कंप्लाइंग विद द स्टैंडर्ड प्रोसेस। कंप्लाइंस विद द स्टैंडर्ड प्रोसेस कैन बी चेक बाय परफॉर्मिंग फ्रीक्वेंट ऑडिट्स एंड रिव्यू। और ऑडिट्स और रिव्यू के जरिए आपने ये भी वेरीफाई करना है कि जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन है, जो आपकी पॉलिसीज और प्रोसेसेस हैं, वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स हैं या के नहीं हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ सीएमएम क्या है कि फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी अ सर्टेन लेवल ऑफ मेच्योरिटी, ऑल गोल ऑफ केपीआईज एट दैट लेवल्स एंड ऑल प्रोसीजिंग लेवल टू मस्ट बी सेटिस्फाई। आपने किसी लेवल पे होना है मेच्योरिटी के, तो उस लेवल के तमाम केपीआईज इम्प्लीमेंटेड होने चाहिए और उससे जो प्रीसीडिंग लेवल्स हैं उनके भी इम्प्लीमेंटेड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप लेवल टू पे हैं तो 6 KPA हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, और जब लेवल थ्री पे जाते हैं तो 6 2K और 3 7 जो लेवल थ्री के हैं मीन्स के टोटल 13 KPAs आपके सेटिस्फाई होने चाहिए। और जो SEI ने जो दो मेथोडोलॉजीज दी हुई हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को, वो इंटरनल असेसमेंट है और एक्सटर्नल एवोल्यूशन है। और उन्होंने एक कैपेबिलिटी बेस्ड सीएमएम बेस्ड असेसमेंट, इंटरनल प्रोसेस इम्प्रूवमेंट ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ असेसमेंट करें, और CBAIPI यूजेस सीएमएम एज ए रेफरेंस मॉडल टू इवेल्युएट द प्रोसेस कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय आइडेंटिफाइंग व्हाट केपीए आर बीइंग सेटिस्फाइड एंड टू व्हाट नीड्स। मीन्स कि ये इंटरनल असेसमेंट के लिए इन्होंने एक मैकेनिज्म दिया हुआ है। और एक उन्होंने अप्रेजल फ्रेमवर्क भी दिया हुआ है CAF, जो कि प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म फॉर फॉर्मल एवोल्यूएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और CAF में डिस्क्राइब किया है वो रिक्वायरमेंट्स और गाइडलाइन जो कि यूज होती हैं एक्सटर्नल असेसर्स इन डिजाइनिंग CAF कंप्लायंट एवोल्यूएशन मेथड। तो ये एक्सटर्नल असेसमेंट के लिए एक CAF है। और आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द CMM इन सॉफ्टवेयर एरिया विच इज नोन एज CMM, SWCMM इन अदर एरिया बट डेवलप एज वेल टू नेम ए फ्यू। देर आर मीन्स के CMM इंटीग्रेशन में CMMI जो CMM का नेक्स्ट वर्जन है उसमें फर्दर फिर CMM को टेलर किया गया है डिफरेंट एरियाज में। एक CMM सॉफ्टवेयर है और दूसरा सिस्टम इंजीनियरिंग CMM है, इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट CMM है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री अलायंस CMM है, सॉफ्टवेयर एक्विजिशन CMM है, पीपल CMM है, सप्लायर सोर्स CMM है। ये फिर CMMI में CMM के डिफरेंट वेरिएशंस हैं। और लास्ट स्लाइड पे, स्लाइड 28 पे, एक यूनिफाइड व्यू ऑफ प्रोसेस इम्प्रूवमेंट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो CMM का आइडिया इवॉल्व हुआ और फॉलोइंग मॉडल्स जो फर्दर CMMI के आए के सॉफ्ट कैपेबिलिटी मैच्योरिंग मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर CMM SW और इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट CMMI IPD CMM और CMM फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड CMM फॉर सप्लायर सोर्सिंग। ये चार फिर लास्ट इसकी हमारे पास मॉडल्स आए। तो ये था CMM। अब आप लोगों ने ये करना है कि आपने एक सिंपल से सर्वे परफॉर्म करना है जो कि पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन का CMM की स्टडी करें आप।
कि वो किस किस लेवल पे हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस किस लेवल पे हैं, ठीक है। ये भी आप लोग ग्रुप में कर दें और इसको भी आप नेक्स्ट मंडे तक सबमिट कर दें, ठीक है सर जी। आप एक स्टडी करें ना, एक सर्वे टाइप के पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस के सीएमएम लेवल्स क्या हैं, किन किन ऑर्गेनाइजेशन के हैं और अगर हैं तो किस किस लेवल पे हैं। एक रिपोर्ट बनाएं उसकी, बस ना एक रिपोर्ट से बनाएं। ठीक है जी, जी जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज, अटेंडेंस मुझे भेज दें।